नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सेजवान फ्राइड राइस। ये हम इंस्पायर्ड हैं शेफ दिलजीत दोसांझ से। मसालों की शक्ल दिखाएं प्लीज। तो अब ये हमारे मसाले हैं, ये आपको पता है हल्दी है, ये जीरा है, ये धनिया सीड है, ये काली मिर्च है, और ये खाली है, और ये बाकी देगी मिर्च है, अनारदाना पाउडर है, कसूरी कसूरी मेथी है। ये सब कोई नहीं हम यूज़ करने वाले हैं। नहीं, वो मोमबत्ती नहीं चाहिए हमें। इधर ये देखें, ये चावल हैं जो हमने कल बनाए थे। आइडिया ये है कि इनको पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा थोड़ा रखना है, पर ये तो चिपक गए हैं, इनको चिपकना नहीं चाहिए था। ये तो कुछ थोड़ा इलाज करते हैं इनको ना, शेफ दोसांझ की तरह अपना घर अपनी रेसिपी, आवर शेजवान फ्राइड राइस। वैसे तो अगर हम इनको पूरा ना पकाते तो वैसे थोड़े थोड़े अलग होते। मुझे लगता है किसी ने ना इसके ऊपर ढक्कन रख दिया रात को, तो ये हो गए थोड़े से, इनमें लगी भाप। चलो कोई नहीं, पहले नोटिस करें हमारे सारे मसाले प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। ये सरकार को बहुत मानने वाले मसाले हैं क्योंकि ये भारतीय मसाले हैं। तो अब हम दूसरे देखते हैं, भारतीय तो पढ़ेंगे नहीं इसमें, इसमें पढ़ेंगे चाइनीज़। तो ये जो है चाइनीज, इसमें क्या क्या पड़ेगा? इसमें है ससमी, नहीं सॉरी सॉरी सेलरी, इसको काट दिए छोटा छोटा, ये बड़ी अच्छी क्रंची रहती है इसके अंदर। और जो है हमने इसमें डाले हैं फ्रांस पीने वाले, इनको छोटे छोटे कर दिए हैं। और ये है गाजर छोटी छोटी काटी हुई, ये है जो जमे पड़े आकड़े पड़े बर्फ से एकदम फ्रोजन जो है मटर और कॉर्न, मटर और कॉर्न, ये थोड़ी सी लाल मिर्च, ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये इसके बड़े जो बनाए दिलजीत ने, नहीं ये नहीं हमने यूज़ करना क्योंकि ये इटालियन कुकिंग नहीं है। प्रीमियम डार्क सोया सॉस, प्रीमियम लाइट सोया सॉस है, ये डाल सकते हैं। ससबी ऑयल, तिल का तेल, ये भी अच्छा रहता है इसमें। और इसमें डलता है विनेगर, थोड़ा सा डालो विनेगर है, वो अच्छा रहता है। हमारे पास राइस विनेगर नहीं है तो हम वाइन विनेगर डाल लेंगे, जो शराब नहीं पीते ना डालें वो दूसरा डाल लें। और ये है हमारी सेजवान सॉस, नहीं ये मतलब इमली की सॉस है, क्या करें हम, लॉकडाउन च मिलता नहीं कुछ, थे हम असी सेजवान की जगह इमली पालांगे पर काम चला लांगे, ठीक है। और ये है हमारा वॉक, तो तेल है, ये आपको एक चम्मच है, चम्मच को साइड पर रखें, तेल डाल दें बस, ठीक है, जो आप अंदाजे से, इतना हम टेक्निकल नहीं होते, कितना चम्मच ज़्यादा नहीं डालना, ठीक चल जाएगा काम। देखो चाइनीज़ कुकिंग की सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसको तेज़ सेक पे करना होता है। अब इसमें हम डालना शुरू कर देते हैं सामान, सैलरी और गाजर से हम कर देते हैं स्टार्ट। भाई चाइनीज़ कुकिंग में देखो बात यह है कि उसको गर्म सेक पे कर देते हैं ताकि इससे क्या होता है वेजिटेबल्स में क्रंच रह जाती है और वो उसको हिलाते रहो, जो आपको पसंद हो ये ऐसी सूखी सब्जियां डाल दें उसमें। और ये तो फंस गया है इसमें, बाहर ही नहीं आते, बड़े ठीक टाइप के हैं। और इसमें डालने स्क्रीन भी डाल दी, सारा कुछ डाल देते हैं मुझे तो लगता है उसको हम। अगर आपका मन करता है कि एग फ्राइड राइस बनाना है तो इसमें जब ये सब्जियां थोड़ी और हो जाए उसमें एक अंडा डाल के उसको भी ला लें, पर हम सोच रहे हैं आज बिना अंडे के खाने, खाने वालों पे डिपेंड करता है। और अब इसको किसके साथ खाना है, जब फ्राइड राइस बन जाएगा तो ये वेज मंचूरियन के साथ बड़ा अच्छा लगता है। हमारे पास तो है नहीं वेज मंचूरियन, नहीं वेज क्या दूसरा कोई भी मंचूरियन हो हमारे पास ना, हमें मंचूरियन बनाना आता है ना हमारे पास मंचूरियन है, तो हम ऐसे ही खा लेंगे फ्राइड राइस को हैं। तो माँ की दाल के साथ खा सकते हैं, पर वो माँ की दाल जो है वो रात को बनेगी और वो सिर्फ पंजाबी खा सकते हैं फ्राइड राइस को माँ की दाल के साथ, पर वो रात के लिए है। और हम तो जो खाना बनाते हैं एक बार में वो बचता ही नहीं अगली रात शाम तक, तो फिर उतना ही ठीक है। थोड़ा सा ससमी
ऑयल डाल देते हैं। हाँ, चटनी ऑयल की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और विनेगर कब पड़ेगा? इस विनेगर भी मुझे लगता है अभी पड़ जाएगा थोड़ा सा। देखो, हम एक भरा हो गया तो हम वापस डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पटाखा मार दिया है। और ऐसा करते हैं, अब हम डालेंगे, ये होने लगे हैं, देखो ये थोड़े थोड़े ब्राउन होने लगी हैं सब्जियाँ, इसका मतलब ये काफ़ी गर्मी खा चुकी हैं। तो अब इसमें टाइम है चावल को डालना। ये हमने चखा अपना चावल और हमने इसको थोड़ा बहुत, वैसे तो हम डांट पड़ेगी मुझे पता, बाद में स्मार्टफोन गिर गया बात, पर कोई बात नहीं, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है। ये हमने डाले सारे चावल के कटे, अब तो इसको आराम आराम से हिलाएं। आइडिया ये है कि चावल अलग अलग रखने हैं तो इनको जोर नहीं लगाना, इसमें हल्का हल्के तरीके से हिलाना है। हाँ, शक्ल तो बड़ी सोनी लगने लग पड़ी है। अब इसमें डलेंगे हमारी सॉसें, और देखो जी डार्क सॉस, और ये तो यार खुला ही नहीं पैकेट है। इसमें डालो थोड़ी बहुत सॉस, मतलब वैसे तो चम्मच के हिसाब से डालनी चाहिए पर हम डाल देंगे रंग के हिसाब से। और इसको फिर डालो, हाँ ये देखो जी आ रही है शक्ल, डार्क सोया सॉस देती है डार्क शक्ल। अच्छा, थोड़ा बहुत गीला होना चाहिए तो इसलिए हमने पिछली बार ट्राई किया था, बड़ा सही हुआ। अब हम इसमें थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दें, इसीलिए ये है हमारा इंडो स्टाइल चाइनीज में है नहीं? तो क्योंकि हमारे पास और कोई सॉस तो है नहीं, तो हमने थोड़ी इमली चटनी डाल दी। खाने वालों को पता नहीं चला लास्ट टाइम है ना किसमें इमली चटनी थी। अब देखो लाइट सोया सॉस, लाइट सोया सॉस तो ऊपर से डाल सकते हो खाते वक्त। अच्छा तो और अब इसका है इंटरेस्टिंग काम करने वाला, बड़ा गर्म है भाई, इसको चखना पड़ेगा। और भी अगर आप असली चाइनीज शेफ हो तो आप इसको ऐसे करोगे ताकि चावल ना टूटे। वैसे तो ये हम ड्रामा ही कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ ही हो ही गया था, पर इसको कहते हैं टॉसिंग। आए है देखो, और ये बन गए हमारे इंडो चाइनीज पंजाबी फ्राइड राइस, शेजवान स्टाइल इमली फ्राइड राइस, जो भी कहना चाहें आप इसको। इसके ऊपर डाले हरे गंडे और आप हो गए तैयार, और हमें लगी बहुत भूख। तो अब कितने है, वेयर इज माई स्पून कहने, चलो लेट्स ईट। कितने सोने लग रहे हैं शेजवान, नॉट शेजवान, इंडो चाइनीज फ्राइड राइस। हाँ, क्या खुशबू है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।